हाय फ्रेंड्स, मी अलका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बेनूस आर्ट। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम वाटर कलर्स का यूज़ करेंगे और ये हमारी पहली शुरुआत होगी और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे वाटर कलर्स पर काम करना। मैं सबसे इजी कलर ले रही हूँ, पोस्टर कलर्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना कि मैं ऑयल पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ और ना ही अदर कोई बहुत महंगे कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसे कलर का यूज़ कर रही हूँ जो इजीली सबको अवेलेबल हो जाए और कम से कम कॉस्ट में हो। ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स होती हैं, जो गुड लुकिंग होती हैं, वो बहुत महंगे पेंट्स बनाई जाती हैं। तो मैं शुरुआत ये कर रही हूँ आज की, मैं वाटर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं पेंटिंग बना रही हूँ ताकि आप सबको मोटिवेशन मिल सके कि नहीं, हम ऐसे कलर्स से भी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं जो देखने में गुड लुकिंग हो। और आपको आई होप बिल्कुल पसंद आएगा। बस इसमें ये प्रॉब्लम होती है, डिसएडवांटेजेस होती हैं कुछ इसमें, वो ये कि देख रहे हैं आप मुझे कि मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ, हालांकि इसे एडिट भी किया जाता है लेकिन मैं एक्चुअली में बहुत फास्ट काम कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर्स जो है पेज पे बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं और इनसे जो मर्ज करना है, शेडिंग देना है, ये काम बहुत टफ हो जाता है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है और हम जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। हालांकि मैं फैब्रिक कलर्स का यूज़ ज़्यादा करती थी पहले भी, क्योंकि उसमें जो शेडिंग है और उसको मर्ज करना है बहुत इजी होता है उसमें। और इसमें बस ये है कि आप इसके लिए जो है मोटा, आपको जो पेपर होगा वो आप मोटा लीजिए, यानी थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर आप पतला लेते हैं तो इसमें अगर आप पानी का यूज़ ज़्यादा करेंगे और पेपर फट जाएगा, तो इसलिए इसमें जो है पानी का यूज़ ज़्यादा लगता है और शायद इसीलिए नाम भी इसका वाटर कलर्स है। और आप जब इस पर काम करेंगे तो इसमें ऐसा कीजिएगा कि आप मोटा पेपर लीजिएगा, जिससे आपको पेंट करने में बार बार जो है पेपर फटेगा नहीं और आप इसलिए इसको कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना बता रही हूँ कि मैंने फैब्रिक कलर हमेशा से यूज़ किया है और जो मैंने इसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं, इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है बल्कि और मोटिवेट होना है कि आप ऐसे कलर से जो कि बहुत चीप प्राइस में मिलते हैं और ईज़िली अवेलेबल हैं, आप उनसे अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं। आप जब ये फाइनली लुक जो आएगा इसका, आप देखेंगे कि इसमें जो कोई ऐसी कमी नहीं रह जाएगी जो आप फाइंड आउट कर सकें कि हाँ ये कलर्स में कुछ प्रॉब्लम थी। आप देखते चलिए, आई होप आपको पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर मेरी पेंटिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।